शीन टेबल पे, टेबल पे रख दें। नाश्ता बना लिया है, अंडा और लच्छेदार पराठा, सॉफ्ट एंड लेयर पराठा, बहुत सी लेयर्स हैं इसकी। हाँ जी, ये शीशे की टेबल पे रख दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखें जी, इतना बता भी रही थी टेबल पे रख दें, मशीन फिक्स कर दीजिएगा, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा था। और जब तक मैं नाश्ता करके अंदर आई हूँ तो मशीन बेचारी वैसे ही पड़ी हुई है, और इसकी मोटर जो थी वो उतरी हुई थी, क्योंकि मोटर जो उतार कर सिस्टर की तरफ भेजी थी उसकी ख़राब हुई हुई थी मशीन की मोटर। तो जी इन्होंने क्या किया, लगा कर नहीं गए, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि ये तो लगी नहीं हुई, तो ये फिर क्या करूँ। फिर थोड़ा सा दिमाग लड़ाया तो फिर मुझे समझ में आया कि इसको इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसे फ़िक्स कर लिया है, देखें जी, और इसको मैंने अब कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करके अब मैंने इसको ऑन करके देखा है तो ये चल रही है, ये देखें चल पड़ी। अच्छा जी, आज अपना सूट एक स्टिच करना है, कटिंग तो कर ली हुई थी पहले से, और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि बड़ी सी टैंकी का गिलाफ होता है। बस मेरी सिस्टर कुछ इसकी कटिंग इतनी अल्लाह का नाम लेके बड़ी सी कर देती है, और कुछ फिर मुझे भी कुर्ते पहनने का होता है, मैं ज़्यादातर कुर्ते ही खुले पहनती हूँ, तो उसकी बस मैं फ़िटिंग की सिलाई जो है ना वो फ़िटिंग की पेमाइश कर रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं बाजू की और शर्ट की जो है ना वो भी साथ ही कर लूँगी, ताकि सिलाई लगाने में फिर प्रॉब्लम ना आए। और बाजू की जो है ना वो भी मैंने थोड़े खुले ही रखे हैं, जो बैगी बाजू कह सकते हैं जिनको, या कुर्ते के साथ जो खुले बाजू होते हैं तो उनको जो कह सकते हैं वही रखे हैं। और बस इन पर जो है ना वो मैं इनकी मेजरमेंट करके और पेंसिल से या टेलर चौक से निशान लगा लेती होती हूँ, और उसके बाद सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि सिलाई जो है वो अच्छे से लग जाए। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दामन और साइड स्लीव पर लैस, और ये देखें जी, लैस जो है ना वो मैंने पहले सीधी साइड पर रख के सारी लैस को उल्टा रखा और साइड को सीधा रखा और सारी लैस लगा ली। अब अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ, टर्न करते करते ये बनाएंगे हम कॉर्नर, और यहाँ से कॉर्नर बना के बस लैस को सारा जो है ना वो कवर करते जाना है। इस तरह से डबल सिलाई से लैस लगती है, और लैस बहुत नीट लगती है और बहुत प्यारी लगती है, और तो और लैस में जो है ना वो सिलाई जो है ना वो बुरी नहीं लगती उसके ऊपर लगी। अच्छा, इसकी मैंने राउंड नेक बनाई है। ये सूट तो सिलाई हुआ है जी 2 आवर्स में, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट की वीडियो में दिखा दूँगी। तो इसकी जो मैंने राउंड नेक बनाई है, राउंड नेक जो है ना वो थोड़ा सा फ्रंट जो है इसका थोड़ा डीप रखते हैं नेक का, और जो बैक है वो बिल्कुल मुनासिब सी रखते हैं। तो एक आड़ा कपड़ा या रेप कपड़ा लेके उसको काट के और उसको जो है ना वो डबल किया और सीधी साइड के ऊपर रख के, तो ये गोल नेक जो तैयार हो मेरी शर्ट की। और ये देखें, ऐसे लग रहा है बिल्कुल कोई मोटी आंटी की शर्ट है, बट इट्स मी, और मैं खुले कपड़े ही पहनती हूँ। देखें, मैंने लैस जो लगाई थी कितनी प्यारी लग रही है, और नज़र ही नहीं आई। अच्छा, ये देखें जी, अभी भी नहीं नज़र आई, ओहो अब नज़र आ रही है। ये जी, ये लैस लगाई थी दामन पर और साइड स्लीव पर, और ये बनाया था राउंड नेक गला। ये देखें, यूं करके इसको इस तरह से यूं ये बनाया है इसके साथ, ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ऐसे क्लोज टू नेक, बिल्कुल नेक के साथ लग जाएगा ये। इसको ओवरलॉक करा लेंगे अंदर की तरफ से, और ये डीप है क्योंकि ये फ्रंट का है और ये बैक का है, फ्रंट बैक सेम होता है ये यूं करके। तो इसका ये है कि आप सर्दियों में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं लाइक मी, तो आप नीचे से कोई मोटी सी शर्ट पहन के ऊपर से अपना सूट पहन सकते हैं, वेरी ईजी। इनके कपड़े भी इस्त्री कर लिए और इस तरह से रख कर गई थी मैं कि सारे फिर से बल्ब पड़ जाने हैं, और बस इसको जो है ना अब इनको हैंगर करने वाली हूँ, और अपने शर्ट को भी हैंगर करने वाली हूँ। ट्राउज़र मैंने पहले से कर लिया था, और मैंने ट्राउज़र नहीं बनाया, शलवार बनाई है, और इसको मैंने जो लगा के चेपी बुकरम, तो इसको फिर मैंने जो है ना शलवार की शेप दी है। और ये 2 पीस मेरा एक जैसा ही है, इसके साथ एक शॉल 2 पीस लिया था, और इसके साथ एक शॉल भी है, और इस तरह से ये 3 पीस बन जाएगा। तो बस मुझे तो है अपने कपड़ों से प्यार, आपको है या नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। घर के काम वहीं छोड़े हैं और मुझे बाहर आना पड़ गया। एक तो वॉक का थोड़ा सा माइंडसेट बनाया हुआ है, और एक वो मेरी जिम ट्रेनर का कॉल आ गया, उन्हें कुछ काम था, उन्होंने फ़ोन कर दिया, मुझे जाना पड़ गया।
और बस गई हूँ, 2 मिनट बैठी हूँ, बात की है और फटाफट से वापस घर की तरफ जा रही हूँ। और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने अरसे के बाद जो है ना वो पैदल बाहर निकले हूँ। अच्छा जी, घर भी आ गया, वापस आ गई हूँ और अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी सेल हो चुकी है और यहाँ से हमारी गाड़ी यहाँ से हट गई है और हम बड़े उदास हैं हमारी गाड़ी के जाने से। अल्लाह ताला फिर से हमें गाड़ी दे दे इंशाल्लाह। बाहर से मशीन का थोड़ा सा सामान वगैरह समेटा, जो सूट सिल गया वो पड़ा हुआ है, प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। और खाना अपने लिए गर्म करके लेकर आई हूँ। खाने में है जी आज राइस और साथ में वैसे तो रोटियाँ बनाई थी, रोटियाँ खा रहे थे सब लोग, तो मैंने रोटियाँ बना के भेजी हैं दुकान पर भी। कल के राइस पड़े हुए थे और वाइट चने पड़े हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा पाए का शोरबा ऊपर ही उसके डाल दिया चावलों के ऊपर, तो अभी ये खाने लगी हूँ। ओवन में रखे थे सारा कुछ एक साथ ही, दाल डोल के ओवन में रख दिया, मज़े का, लेकिन वेरी यम्मी। आ जाए भाई जी, जिसने इंजॉय करना है, पाए चने और सफ़ेद चावल। खाते खाते मैं ये सोच रही थी कि अभी मैं गई थी बाहर और मुझे लगा मैंने वॉक की है, मैं बड़ा अच्छा बेटर फील कर रही थी, और अभी मैं खाने लगी हूँ इतना हेल्थी सा लंच। लेकिन ये है मेरे मुताबिक कि आप अच्छे से खाएं लेकिन उसके साथ वर्जिश, कहवा और वॉक, ये आप अपनी लाइफ का ना एक रूटीन बना लें। उससे आपको ना कभी भी वो वाला फैटनेस नहीं होगा जो प्रॉब्लम करेगा। हाँ, इस तरह से आप अगर बिल्कुल खा ही जाएँ और स्टिल बैठे रहें वो प्रॉब्लम करेगा। मुझे वैसे भी ना ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे ही मैं थोड़ा सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती मुझे सांस चढ़ने लग गया था, तो मुझे सब कहने लगे कि तुम बस वॉक करो, अब तुम बिल्कुल अपने आप को लेज़ी मत बनाओ, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। तो आज निकली हूँ बहाने से, चलो काम था जाना पड़ा, होकर आई हूँ और अभी जो है वो देखती हूँ कि क्या करना है। कल से रूटीन बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि जो है ना वो 2-3 राउंड करूँ गलियों में, तो फिर ज़रा फिट हो जाएगा दोबारा से ना, स्टैमिना बढ़ जाएगा। मेरा स्टैमिना बिल्कुल माइनस हो गया, ज़ीरो हो गया हुआ था। चाय बना रही हूँ अपने लिए, आज मिल्क पैक की चाय पी रही हूँ, दूध नहीं आया आज, याद नहीं रहा सुबह, तो ये लेने भी नहीं गए और नहीं लेकर आए भी। कहवा बनाया है, कहवे में भी मैंने चीनी और पत्ती ऐड कर दी थी, तो अच्छे से वो हो गई है मिक्स। इसको मैं इनका थोड़ा सा और बीट कर लूँ अच्छे से, इसमें अब फिर मिल्क ऐड करती हूँ। मुझे पसंद नहीं है वैसे ये टेट्रा पैक चाय, इतनी अच्छी नहीं लगती, मजबूरी हो तो चलो पी ली वैसे शौक से। चलें जी, दूध थोड़ा ठंडा था, अब ज़रा दूध बॉयल होगा। चाय इतनी मज़े की नहीं बनी लेकिन मैंने इंजॉय कर ली क्योंकि सर्दी है। और कैसा लगा फिर मेरा आज का व्लॉग, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।